जिला कृषि पदाधिकारी कृणानंद झा सुल्तानगंज पहुंचकर प्रखंड के ग्राम पंचायत खेरिया, कमरगंज, गंगनिया, कटेहरा पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान वर्ष 2018-19 अंतर्गत यात्रीकरण डिजिटल अनुदान कृषि इनपुट सब्सिडी से संबंधित किसानों से जांच पड़ताल किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत खेरिया में कंबाइंड हार्वेस्टर, ग्राम पंचायत कमरगंज में मल्टी क्रॉप थ्रेसर, कटेहरा में सुधाकर प्रसाद चौधरी के समेकित कृषि प्रणाली 5 एकड़ में जीरो टिलेज से गेहूं बुआई, गोपाल प्रसाद चौधरी, दयानंद चौधरी, 1.5 एकड़ में उपेंद्र प्रसाद सिंह के खेतों का जैविक विधि से मटर छीमी उत्पादन को देखा गया। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह, जिला स्तरीय कृषि संवक पशुपतिनाथ एवं कृषि विभाग के कर्मचारी व किसान मौजूद थे। सुल्तानगंज से संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के यात्री सेठ धर्मशाला में 19 जनवरी को मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर डिलर सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। बैठक के दौरान वीडियो प्रभात रंजन ने जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह के बारे में बताया। साथ ही 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में किस तरह भागीदारी लेनी है उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ रिहर्सल किए। वहीं इस मामले वीडियो प्रभात रंजन ने बताया कि सुल्तानगंज विधानसभा में 32 किलोमीटर तक 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए एक बैठक की गई, जिसमें जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस बैठक में स्कूली शिक्षक व विकास मित्र एवं तमाम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। सुल्तानगंज संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। लीडर सेक्टर जोनल और सब जोनल जो बनाया गया था पूरे सुल्तानगंज विधानसभा सुल्तानगंज में 32 किलोमीटर का मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। इसी मानव श्रृंखला की तैयारी के लिए जो जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा से संबंधित है, लोगों को जागरूक करने के लिए 19 तारीख को 11:30 बजे से 12 बजे तक मानव श्रृंखला बनाना है। इसी से संबंध में तैयारी के संबंध में बैठक की गई और उनकी तैयारियों के संबंध में उनको आने वाली समस्याओं के बारे में पूछताछ किया गया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कार्य किए जाने हैं उनके विमर्श किया गया। साथ ही साथ आज से उन लोगों को सक्रिय रूप से क्षेत्र में कार्य लोगों के बीच में इस प्रोग्राम को प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.